हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इट इज द सेकंड वीडियो रिलेटेड टू द टॉपिक रीमन इंटीग्रल। इन द फर्स्ट वीडियो वी वाज डिस्कस अबाउट द इंटरवल्स, द टर्म्स रिलेटेड टू द इंटरवल्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन अवर टॉपिक, जो हम लोग अपने टॉपिक में यूज करने वाले हैं। सिर्फ हमने उन टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं क्योंकि वो टर्म्स यूज होंगे। अगर आपने पढ़ लिए हैं तो आपको पढ़ने से भी वो टर्म्स क्लियर हो सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग ने वैसे ही एक्सप्लेन किया कि सिर्फ आप समझ पाओ, ठीक है। वहां पर डेफिनेशन वगैरह हम लोग ने नहीं लिखी है, ठीक। अच्छा, अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हो तो आप बुक से जैसे समझाया गया वैसे ही डेफिनेशंस लिख लीजिएगा ना। अब हम लोग सेकंड वीडियो पे आ चुके हैं। सेकंड वीडियो में हम लोग समझेंगे डर्बो लोअर सम्स एंड अपर सम्स फॉर अवर फंक्शन ऑन इंटरवल विद रिस्पेक्ट टू एनी पार्टीशन। इतनी चीजें, मतलब इतनी चीजें नहीं सीखनी, ये एक ही चीज को हमने बोला कई बार। अच्छा देखिए, बेसिकली क्या है कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम लोग के सिलेबस की हेडिंग होती है रीमन इंटीग्रल, तो हमारे भी सिलेबस की हेडिंग है रीमन इंटीग्रल, बट अंदर थ्योरी होती है डर्बो इंटीग्रल की। ये मोस्ट ऑफ द बुक्स में होता है, सिलेबस बुक्स के साथ ऐसा ज्यादा होता है, तो हम लोग भी वही काम कर रहे हैं। फिर बाद में मन होगा तो रीमन इंटीग्रल भी कर लेंगे। तो लास्ट वीडियो आपने देखा या नहीं देखा वो बात की बात है। अभी फिलहाल आते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डर्बो लोअर सम एंड अपर सम। तो वही स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, ये लोअर सम कौन है और अपर सम कौन है, ठीक है। इसको निकालने के लिए सबसे पहली चीज, तो जो चीजें आपको गिवन होंगी वो समझना। सबसे पहली चीज, आपको एक फंक्शन गिवन होंगे, होंगे नहीं मतलब होगा, ठीक है, और एक क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल गिवन होगा, ठीक है। इंटरवल थोड़ा ऐसे मान लेते हैं, अच्छा लगेगा, x0, xn, ठीक है। ये आपका एक इंटरवल गिवन है और ये आपका क्या है, फंक्शन गिवन है, ठीक है। इधर ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपकी डोमेन वाली लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट है x0 और एक पॉइंट है xn, और ये आपके फंक्शन भाई साहब गिवन है, ठीक है। ये कौन गिवन है, आपके फंक्शन भाई साहब। थोड़ा गड़बड़ हो गया, फंक्शन पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिर इंटरवल बनाते हैं ना। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि फंक्शन अदर डोमेन्स में भी डिफाइन हो सकता है, बट मतलब हम लोग को जितने से मतलब है हम सिर्फ उतना शो कर रहे हैं कि यहां पर पॉइंट x0 है और ये xn। ग्राफ देखना हम लोग जानते ही हैं कि ग्राफ का क्या सेंस होता है। ग्राफ का सेंस है कि ये हमारी डोमेन वैल्यू है और ये हमारी करेस्पॉन्डिंग कोडोमेन वैल्यू है, और जैसे हमें किसी डोमेन के करेस्पॉन्डिंग अपने फंक्शन की वैल्यू लेनी है, जैसे x0 के करेस्पॉन्डिंग लेनी है, तो यहाँ पर अगर हमारे फंक्शन को ये x0 के मतलब x0 से पास होने वाली फंक्शन डोमेन, ये y एक्सिस जिसे आप कहते हो, इसके पैरेलल लाइन यहाँ पर कट करती है, तो इसी को यहाँ पर मिला दीजिए तो ये हमारी फंक्शनल वैल्यू हो जाएगी एट x0। उसी तरह xn पे लेनी है, किसी भी पॉइंट पे लेनी है, तो ये हमारा फंक्शन देखने का अपना स्टाइल होता है, ठीक है। अब देखिए कितनी चीजें गिवन होंगी। सबसे पहली चीज, आपको एक फंक्शन गिवन होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको क्या गिवन होगा, एक फंक्शन गिवन होगा, और एक फंक्शन गिवन होने के बाद आपको दूसरी चीज क्या गिवन होगी, एक इंटरवल, ठीक है, और ये इंटरवल होगा हमारा क्लोज बाउंडेड इंटरवल। दूसरी चीज, ये फंक्शन इस इंटरवल पे होगा बाउंडेड, इस इंटरवल पे क्या होगा, बाउंडेड, ठीक है। ये बात समझ आई, अगर बाउंडेड होगा तभी हम लोअर सम या अपर सम निकाल पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आएंगी। वो कैसी प्रॉब्लम आएंगी, वो आप जब थ्योरी समझेंगे तो आप खुद समझ आएंगे, ठीक है। पहली चीज, आपका फंक्शन बाउंडेड होगा ऑन दिस इंटरवल। जैसे देखिए, ये फंक्शन हमारा बाउंडेड है, कहीं से भी ये भाग के कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। अब फिर आगे क्या होगा, एक और चीज गिवन होंगे, जैसे आपको ये पार्ट इंटरवल दिए है ना, इस इंटरवल का एक पार्टीशन गिवन होंगे, एक क्या हो दिए गए होंगे, पार्टीशन। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक इस इंटरवल का पार्टीशन हो गया, ठीक है। सिंपल चीजें समझ में आ रही होंगी आई होप आपको, ठीक है। ये आपका क्या था, इंटरवल, फंक्शन, फंक्शन इस इंटरवल पे बाउंडेड है एंड पी इज योर एनी पार्टीशन। इस पार्टीशन ने आपके इंटरवल को छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये देखिए, मतलब यहां पर कोई दूसरा होगा, इस तरीके से इसने इसको छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। कोई वीर, अगर हम आर्बिट्रेरी सब इंटरवल की बात करें तो वो ये है, ये है,
ठीक है, मतलब जैसे फर्स्ट सब सब इंटरवल है एक्स जीरो कॉमा एक्स वन, सेकेंड एक्स वन कॉमा एक्स टू, थर्ड एक्स टू कॉमा एक्स थ्री, तो वैसे ही कोई के एक्स सब इंटरवल होगा एक्स के माइनस वन कॉमा एक्स के, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हमारे जो ये कंप्लीट इंटरवल गिवन था इसको छोटे छोटे सब इंटरवल्स में ऐसे डिवाइड कर दिया और फिर ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, डर्बो लोअर सम। तो लोअर सम होता क्या है, तो देखिए लोअर सम निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक टर्म निकालना होगा, इट इज सेट टू बी एम के। एम के है क्या, एम के इज द इनफीमम वैल्यू ऑफ योर फंक्शन एफ एक्स इन योर सब इंटरवल, समझिएगा। देखिए सिंपली ये mk क्या है, mk आपके फंक्शन की इनफीमम वैल्यू है आपके kth सब इंटरवल पे, बात समझे। देखिए आपके जो ये इंटरवल गिवन था उसका एक पार्टीशन था, इस पार्टीशन के थ्रू जो इसके सब इंटरवल्स मिले, ये कोई kth मतलब कोई भी सब इंटरवल हो सकता है, इसमें k की वैल्यू आप 1 रखोगे तो फर्स्ट सब इंटरवल मिल जाएगा, सेकंड, थर्ड, वैसे ही हमें अपने फंक्शन की हर एक सब इंटरवल पे इनफीमम वैल्यू निकाल लेनी है। मतलब जब हम के की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे फर्स्ट सब इंटरवल, फर्स्ट सब इंटरवल का मतलब क्या है, जैसे देखिए ये आपका फर्स्ट सब इंटरवल कौन है, एक्स जीरो कॉमा एक्स वन, ये हमारा कौन है, फर्स्ट सब इंटरवल है। अब इस पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने फंक्शन की, फंक्शन मतलब ये भाई साहब की, सबसे इनफीमम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इनफीमम वैल्यू कौन सी होती है, देखिए ग्राफ में इनफीमम ऐसे न्यूमेरिकली तो आप जान जाओगे, न्यूमेरिकली ही आपको करना होगा, यहां पर सिर्फ समझने के लिए हम लोग ग्राफ वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। आप को आप अपने फंक्शन को ग्राफिकली देखो कि देखिए फंक्शन की वैल्यू जितना, चूंकि वर्टिकल एक्सिस के थ्रू शो हो रही है तो जितना ऊपर जाएगी उतनी बड़ी वैल्यू, जितना नीचे आएगी उतना लोअर वैल्यू। तो इस इंटरवल पे आपको सिर्फ क्या, फर्स्ट सब इंटरवल में देखना है कि आपके फंक्शन सबसे नीचे कहां तक आया, तो मुझे यहां पर दिख रहा है तो ये इस सब इंटरवल की सबसे मिनिमम वैल्यू हो गई, तो ये हमारे फर्स्ट सब इंटरवल की मिनिमम वैल्यू हो गई, तो ये हमारा हो जाएगा स्मॉल एम वन। वैसे ही सेकेंड सब इंटरवल ये वाला लीजिए ये, ठीक है। अब इतने में आपको सिर्फ फोकस करना है, ठीक है। इसमें आप देखो आपके फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो मुझे ये वाली दिख रही है ये, तो ये हमारा कौन हो गया, M2 हो गया, ठीक है। ये हमारा कौन आ गया, M2। इसी तरह करते करते जितने भी सब इंटरवल्स हैं सभी सब इंटरवल्स में हम अपने फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब जब सबसे मिनिमम वैल्यू निकल आई तो जरा इस टर्म को ध्यान दीजिएगा, जो हमारा लोअर सम होगा ऐसे डिनोट होगा, इट एंड इट इज डिफाइंड एज समझिएगा, बहुत सिंपल डेफिनेशन है और उसको और सिंपल हम लोग ने बना लेंगे। सिंपल चीज है ये टर्म जो है, देखिए क्या चीज कह रहे हैं कि आप सबसे पहले अपने सभी सब इंटरवल के सबसे इनफीमम वैल्यू निकाल लीजिए और फिर द लोअर सम ऑफ योर फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी। मतलब लोअर सम जो होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसलिए मैंने कहा कि इंटरवल और इंटरवल के साथ पार्टीशन गिवन होगा, मतलब किसी इंटरवल के लोअर सम कुछ आएगा, सेम इंटरवल में किसी पार्टीशन के लिए आपका लोअर सम कुछ और होगा उसी फंक्शन का, किसी अदर पार्टीशन के लिए कुछ और होगा। तो किसी भी फिक्स पार्टीशन पी के लिए आपका जो कि इस तरीके से डिफाइन है उसके लिए आपका लोअर सम क्या होगा, लोअर सम ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन p इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल दीज टाइप ऑफ द टर्म्स। और ये टर्म क्या है कि आपका कोई भी kth इंटरवल, कोई भी आर्बिट्रेरी इंटरवल लो, उस इंटरवल की लेंथ को उस इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई करो और इस तरीके के जितने भी सब इंटरवल हैं सबको ऐड कर दीजिए। जैसे देखिए एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि ये हमारा एक गिवन फंक्शन था fx, ये हमारा फंक्शन fx गिवन था और इसका ये पार्टीशन था, इसका एक पार्टीशन p ऐसे था, कैसे था कि x0, x1, x2, x3 एंड xn, जैसे ये पूरा ग्राफ बना है, ठीक है। तो इसका अगर हमें लोअर सम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टीशन तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हर एक सब इंटरवल में इसके फंक्शन की मिनिमम वैल्यू लेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा फर्स्ट सब इंटरवल कौन है, x0, x1, इस पे मिनिमम वैल्यू ये मिल गई m1, तो अब m1 को लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ से, मतलब x1 माइनस x0। सेकंड सब इंटरवल x1, x2 पे जाएंगे, यहां पर फंक्शन की जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उसको लेंगे और उसको सेकेंड इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस थर्ड इंटरवल पे जाएंगे x2, x3, यहां पर जो हमें ये वाली सबसे मिनिमम वैल्यू लिख रही है तो इसको लेंगे
m3 और इसको थर्ड इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह फोर्थ सब इंटरवल ये वाला, इस पर सबसे मिनिमम वैल्यू हमें ये वाली दिख रही है, सो इसे लेंगे और इसे फोर्थ इंटरवल सब इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे और सभी का जब सम कर देंगे तो ये जो हमें वैल्यू मिलेगी यही होगी हमारे फंक्शन की विद रेस्पेक्ट टू द पी पार्टीशन लोअर सम। ये देखिए पार्टीशन चेंज होगा तो हमारे फंक्शन का उसी इंटरवल पे लोअर सम भी चेंज होगा, बट किसी भी पार्टीशन पे कैसे इसको ऐड करना है ये इसका मेथड है। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ ऐसे करते चले जाना है, इन सबको ऐड कर देना है, एटलीस्ट यू विल गेट द लोअर सम। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि अभी आपको थोड़ा सा ये कर देते हैं, ये का मतलब ये, अब देखिए इसी के बिल्कुल इक्विवेलेंस थ्योरी पैरेलल थ्योरी चलेगी आपकी अपर सम की। अब थ्योरी आप समझ ही गए होंगे, यहां पर भी क्या होगा अपर सम, ये भी हमारा पार्टीशन पे निकलता है, लेकिन ये कैसे निकलता है, इसके लिए भी सबसे पहले आपको क्या देंगे, आपका इंटरवल, फिर क्या देंगे पार्टीशन, पार्टीशन देने के बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पार्टीशन देने के बाद आपको जैसे यहां पर ये एम के टर्म निकाला था ना, वैसे ही यहां पर कैपिटल एम के टर्म निकाल लीजिएगा। ये क्या होगा सुप्रीम ऑफ योर फंक्शन इन एनी सब इंटरवल थ्रू द पार्टीशन, मतलब जब आपका x इस सब इंटरवल में रहता है तो आपके फंक्शन की जो सबसे सुप्रीम वैल्यू हो उसको निकाल लीजिए और फिर इस टर्म को निकाल लीजिए। आई होप कि यहां पर तो अब बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, बट फिर भी एक बार जरा बात कर लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए सिंपल चीज क्या है कि ये कह रहे हैं कि जैसे वहां पर हमने एम स्मॉल एम के निकाला था, यहां पर कैपिटल एम के निकालो, मतलब जैसे आपका ये सब इंटरवल है, फर्स्ट सब इंटरवल है, ठीक है, आपका फर्स्ट सब इंटरवल है, तो इस सब इंटरवल में देखिए फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है, मुझे सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये वाली दिख रही है, तो ये जो वैल्यू होगी यही आपके फंक्शन का क्या हो जाएगा कैपिटल एम वन। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ से, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट सब इंटरवल का मैक्सिमम वैल्यू आया है। फिर सेकेंड सब इंटरवल पर जाइए, इस सब इंटरवल पे मतलब इतने में ही फंक्शन को देखना है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहां दिख रही है, मुझे ये दिख रही है, ठीक है, ये आपको क्या दिख रही है, मुझे दिख रही है सबसे मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको ले लो M2 और इसे चूंकि सेकंड सब इंटरवल की मैक्सिमम वैल्यू है, इसे सेकंड सब इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई कर लो, फिर इस तरह करते करते आपको अपर सम भी मिल जाएगा। दोनों में कैसा रिलेशन होता है, क्या होता है, ये चीजें एक एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि यहां पर भी हम लोग समझेंगे तो थोड़ा मुझे लगता है कि चित्र मतलब ये फिगर जो होगा वो थोड़ा मतलब फॉर्मल सा लगने लगेगा, तो एक एग्जांपल लेते हैं ना तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, तो इसे रफ कर देते हैं। आई होप आपको लोअर सम और अपर सम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल लेते हैं और फिर उस पर समझते हैं कि कैसे इनके बीच में रिलेशन बनते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, और अगर आप कहेंगे तो वो थ्योरम्स प्रूव भी कर दी जाएंगी। देखिए हम लोग को एक फंक्शन गिवन है, जितनी चीजें गिवन होनी चाहिए सब चीजें गिवन है। कौन कौन सी चीजें गिवन है, पहली चीज तो हमको एक फंक्शन दिया है मॉडुलस ऑफ x का, और एक इंटरवल गिवन है माइनस वन कॉमा टू, ठीक है, और इसका एक पार्टीशन भी गिवन है जीरो, सॉरी माइनस वन से स्टार्ट होगा, माइनस वन कॉमा जीरो कॉमा वन कॉमा टू, ठीक है, ये एक पार्टीशन गिवन है। अब इस पार्टीशन पे हमें इसका अपर सम भी निकालना है और लोअर सम भी निकालना है। चलिए आइए निकालते हैं। सबसे पहले अपर सम और लोअर सम निकालने का जो तरीका है उस पर फोकस करते हैं, अपने फंक्शन के ग्राफ। देखिए हमें हर जगह ग्राफ नहीं ड्रॉ करना होगा, बट अभी हम लोग कर लेते हैं ना। सबसे पहले अपने मॉडुलस ऑफ एक्स वाले फंक्शन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ये आपको माइनस वन मिल गया, ये वन, ये जीरो और ये टू, मतलब ये हमको एक इंटरवल दिया था और उसके हमने पार्टीशंस कर लिए, ठीक है। अब हमको यहां पर इसका अपर सम और लोअर सम इस पार्टीशन के लिए करना है, ठीक है, दूसरा अपर सम भी तो निकालना है, तो यहां पर ले लेते हैं माइनस वन टू और यहां पर वन और ये जीरो, है ना। अब देखिए हमें यहां पर क्या करना है, हमें इसका अपर सम और लोअर सम मॉडुलस ऑफ एक्स फंक्शन का निकालना है, तो हमें कैसे निकालना है, तो लोअर सम देखिए पार्टीशन, जिस पार्टीशन के लिए निकालना है तो मतलब लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन, इस पार्टीशन के थ्रू जो हमारे सब इंटरवल्स बने हैं वो कौन है, माइनस वन कॉमा जीरो
देखिए आपको हर जगह पे ग्राफ नहीं ड्रॉ करना होगा, हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बट आपको हम थ्योरिटिकल तरीका भी क्या है वो भी हम लोग समझते साथ में चलेंगे। देखिए सबसे पहले जब आपको लोअर सम निकालना है, क्या निकालना है, लोअर सम, तो जितने भी सब इंटरवल्स हैं माइनस वन कॉमा जीरो, जीरो कॉमा वन और वन कॉमा टू, सारे सब इंटरवल्स को एक बार जरा देखिए और अपने फंक्शन पे देखिए। तो देखिए लोअर सम निकालने का क्या तरीका था, सबसे पहला वाला सब इंटरवल लीजिए, सबसे पहला वाला क्या लीजिए, सब इंटरवल। अब इसमें ये आपका फंक्शन है, बताइए इसकी सबसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी, जब लोअर सम निकालें तो मिनिमम वैल्यू, तो बताइए सबसे लोअर पॉइंट कौन है, ये जीरो मुझे दिख रहा है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जीरो। सो जीरो और पहले वाले सब इंटरवल की लेंथ कितनी है, सो पहले वाले सब इंटरवल की लेंथ है जीरो माइनस माइनस वन मतलब वन, तो पहले वाले सब इंटरवल की लेंथ है वन प्लस। देखिए इसको अगर आपको थ्योरेटिकल करना है तो आप जानते हो जो आपका मॉडुलस x का फंक्शन होता है, मॉडुलस x का फंक्शन होता है वो निगेटिव साइड पे डिक्रीजिंग काइंड ऑफ द फंक्शन और पॉजिटिव साइड में इंक्रीजिंग काइंड ऑफ द फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब जो इंक्रीजिंग काइंड ऑफ द फंक्शन है या डिक्रीजिंग काइंड ऑफ द फंक्शन, देखो जो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग का मतलब घट रहा है, घटेगा तो कितना घटेगा, जहां तक आप उसको घटने का अवसर देंगे। तो जो हमारा पहला सब इंटरवल है ये निगेटिव है, ये कैसा है, इसके पॉइंट्स हमारे निगेटिव है, ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि नॉन पॉजिटिव है। नॉन पॉजिटिव में हमारा मॉडुलस का फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग, तो डिक्रीज वहां तक करेगा जहां तक आप डिक्रीज करवाओगे, मतलब अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे जो उसकी वैल्यू होगी वही उसकी क्या होगी, सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, जो उसके राइट एक्सट्रीम पे वैल्यू होगी उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू होगी और जो लेफ्ट एक्सट्रीम पे होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है मतलब कहीं से गिर रहा है, तो ये चीज है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगी जीरो पे, तो एफ जीरो, तो मॉडुलस ऑफ फंक्शन की वैल्यू जीरो पे जीरो, ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। फिर आपको प्लस सेकंड वाला सब इंटरवल देखिए, जीरो कॉमा वन, जीरो कॉमा वन, इस पे देखो आपके फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, सॉरी मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है इस वाले। अब देखो आपको पता है कि जो आपका मॉडुलस का फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन, मॉडुलस का, पॉजिटिव साइड पे इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब जो बढ़ेगा, तो सबसे कम कहां रहा होगा, जब स्टार्ट किया होगा, तो मतलब अपने लेफ्ट स्ट्रीम पे ये क्या होगा, सबसे मिनिमम, तो मतलब एफ जीरो पे सबसे मिनिमम रहा होगा, तो यही हमारा सबसे मिनिमम, आप ग्राफ में भी देख सकते हो कि इस इंटरवल पे सबसे नीचे का पॉइंट यही है। तो मतलब हमारा जो M2 आया ये हमारा जीरो क्या था, M1 और M2, M2 का मतलब सेकंड इंटरवल की सबसे मिनिमम, सब इंटरवल की सबसे मिनिमम वैल्यू जीरो और सेकंड सब इंटरवल की लेंथ कितनी है वो भी वन है, ओके। प्लस थर्ड सब इंटरवल पे जाते हैं, थर्ड सब इंटरवल का मतलब है कि इतने में आपको फंक्शन देखना है, इतने में बताइए फंक्शन की सबसे लोअर वैल्यू कहाँ है, सबसे नीचे का पॉइंट ये है, ठीक है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव का है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होता है, इसके लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे मतलब F1, और F1 पे फंक्शन की वैल्यू वन, मतलब ये आपकी आ गई सबसे मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और ये कितनी होगी, ये होगी वन। वन क्यों होगी, क्योंकि F1 इज इक्वल टू वन, तो ये हमारा M3 आ गया और इसको मल्टीप्लाई कर दो थर्ड इंटरवल की लेंथ मतलब 1 से। सो ये 0, 0 और 1, लोअर सम अपने फंक्शन का आ गया विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P इज 1, अपर सम निकालते हैं उसी पार्टीशन पे। तो अपर सम निकालने का क्या है कि सबसे पहले ये हमारा सब इंटरवल, अब थोड़ा फास्ट करेंगे, इस इंटरवल में अपर सम निकालने के लिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, तो आप देखिए ये ग्राफ है तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, तो ये हमारे फंक्शन की क्या हो गई, सबसे मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये होगी वन, क्योंकि माइनस वन पे हमारे मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है वन, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल गई वन, ये हमारा कैपिटल एम वन आ गया, क्या आ गया, कैपिटल एम वन की वैल्यू वन और फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ वन है। प्लस सेकेंड सब इंटरवल पे बढ़िए, सेकेंड सब इंटरवल ये है, ठीक है, इस पर आप बताइए हमारे फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, इस पर सबसे ऊपर ग्राफ यहीं पर गया है F1 पे, F1 पे वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारा क्या आ गया M2, तो हमारा M2 भी आ गया 1 और इस सब इंटरवल की लेंथ भी है 1 प्लस। अब सेकंड सब इंटरवल पे मतलब इतने भी फंक्शन को देखिए, इस पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिल रही है, यहां पर, तो ये हमारा क्या आ गया सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है ना, तो यहां पे फंक्शन की वैल्यू मतलब F2 पे मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू 2 होगी, सो इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ गई 2 और इंटरवल की लेंथ 1 टू 2 कितनी है 1, तो ये आ जाएगा 1 1, 2 और 2, 4, तो मतलब अपर सम विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन इज 4 एंड द लोअर सम इज विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन इज 1, ठीक है, बात यहां तक आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखिए जैसे यही हम लोग को फंक्शन गिवन होता, ठीक है, यही फंक्शन गिवन होता, पहली चीज तो जो हमें कंक्लूजन मिला आपको, आई होप लोअर सम और अपर सम निकालने का मेथड समझ गया होगा। अब इनकी प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, प्रॉपर्टीज
इनकी प्रॉपर्टीज कह सकते हो या फिर इनकी जो भी चीजें हैं कैसा इनका रिएक्ट होता है। पहली चीज तो आपने ये देख ली कि आपके फंक्शन की जो लोअर सम होगा किसी पार्टीशन के रिस्पेक्ट पे वो हमेशा और हमेशा अपर सम से छोटा होगा या इक्वल हो सकता है। मान लो कोई ऐसा फंक्शन हो जो बिल्कुल जीरो फंक्शन, जीरो फंक्शन आप देख लो उसकी हर जगह वैल्यू जीरो, तो उसका लोअर सम और अपर सम दोनों ही जीरो आएंगे, ठीक है, तो इक्वल या तो लेस हमेशा रहेगा। दूसरी चीज, एक और चीज जान लीजिए, देखिए हमें इंटीग्रेट करना है, अगर हमें माइनस वन से टू के बीच में इस फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो मतलब हमें ये वाला रीजन, ये कंप्लीट रीजन निकालना है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का रीजन। अपर, देखिए लोअर सम से हमें कितना एरिया मिला, ये मिला, फिर ये मिला और फिर ये मिला, तो मतलब हमें ये एरिया मिला। और अपर सम से देखिए क्या एरिया मिला, तो पहले ये और दूसरे में ये और तीसरे में ये, देखिए हमें सिर्फ ये ट्राइंगल वाले रीजंस की जरूरत है। अपर लोअर सम में इतना रीजन मिल रहा है और अपर सम में इतना, ये बहुत ज्यादा है और ये बहुत कम है। लेकिन क्या होता है कि जैसे आप अपने पार्टीशंस को और शार्प करते जाएंगे, शार्प करने का मतलब है कि जैसे यहां पर आपने अपने पार्टीशंस से जो सब इंटरवल्स थे काफी बड़े बड़े दिए थे, अगर इनकी जगह पे आप छोटे छोटे करते जाएंगे तो जो लोअर सम होता है, लोअर सम होता है वो इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि अगर आपने बीच में एक और पॉइंट दे दिया होता, ये ऐसे माइनस का 0.5 दे दिया होता, तो देखिए अब देखिए आपका लोअर सम, सिंपल चीज देखिएगा, अब यहां पर देखिए लोअर सम, सबसे पहले आप इस सब इंटरवल में निकालते तो सबसे लोअर वैल्यू यहां मिलती तो आपको ये वाला एरिया मिलता, फिर दूसरे सब इंटरवल में फिर वही वैल्यू मिलती, फिर आपने यहां पर भी 0.5 दे दिया होता तो देखिए क्या कितना बढ़िया हो जाता कि यहां पर आप तो आपको कुछ नहीं फायदा होता, लेकिन इस वाले में देखिए ये, तो देखिए आपने जितना और उसको शार्प पार्टीशन को किया उससे क्या हुआ कि पहले सिर्फ इतना एरिया था, अब देखिए ये दो एरियाज और मिले ना, तो लोअर सम का एरिया इंक्रीज करता है और अपर सम का एरिया डिक्रीज करता है, आप देख सकते हैं वो चीज आप कर लीजिएगा। तो देखिए जो शार्प है, हम लोग बेसिकली क्या है कि शार्प का तो बेसिकली ये मतलब है कि आप अपने पार्टीशन का नॉर्म घटाइए, लेकिन हम बहुत ज्यादा डीप पे नहीं जाते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर आप अपना जो पार्टीशन पी है इसका रिफाइनमेंट कीजिए, मतलब अपने पार्टीशंस के जो सब इंटरवल्स हैं उनके भी, जैसे यहां पर किया ना, उनके भी सब इंटरवल्स कर दीजिए, तो जो आपको लोअर सम मिलता है वो इंक्रीज करेगा, अपर सम डिक्रीज करेगा, और अपर सम डिक्रीज करेगा और लोअर सम इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो मतलब अगर आपका क्यू जो है, क्यू इज अ रिफाइनमेंट ऑफ पी, इज अ रिफाइनमेंट ऑफ पी, इस केस में क्या होगा कि जो लोअर सम होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, समझ आ रही ना बात, रिफाइनमेंट। आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, रिफाइनमेंट का क्या होता है कि अपने इंटरवल्स को और शार्प कर लीजिए, अपने पार्टीशन को और शार्प कर लीजिए, तो लोअर सम इंक्रीज करेगा और अपर सम भाई साहब का क्या होगा, वो और आपके डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज, लोअर सम इंक्रीज करते करते मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, तो मैक्सिमम जैसे देखिए ये फंक्शन है, है ना, तो आपको बेसिकली ये एरिया निकालना है इंटीग्रल के थ्रू, तो लोअर सम इंक्रीज करेगा तो मैक्सिमम यहीं तक जा सकता है, ठीक है, और अपर सम इंक्रीज डिक्रीज करते करते मैक्सिमम यहीं तक आ सकता है, दोनों की ये एक्सट्रीम पॉइंट है। मतलब क्या है? मतलब कि लोअर सम हमेशा इसके नीचे रहेगा और अपर सम हमेशा इसके ऊपर रहेगा। दूसरी लैंग्वेज में हम ये बोलना चाहते हैं कि कोई भी पार्टीशन हो, P1 एंड P2, एनी टू पार्टीशंस, so always remember that L of P1 is less than or equal to, मतलब equal हो सकता है क्योंकि दोनों extreme point पे आ गए, तो P2 is less than or equal to F of P2, ठीक है। मतलब कोई भी पार्टीशन P1, P2, P3 ले लीजिए,
हमेशा जो लोअर सम होगा फंक्शन का किसी भी पार्टीशन के रिस्पेक्ट में, किसी भी पार्टीशन के रिस्पेक्ट में अपर सम से लो होगा। मतलब देखिए ये तो सेम पार्टीशंस के लिए है कि पीपी पार्टीशंस पे अपर सम हमेशा लोअर सम से ग्रेटर होगा। ये कह रहे हैं कि कोई भी पार्टीशन, आपने कोई भी पार्टीशन, जिस पार्टीशन पे लोअर सम की वैल्यू सबसे मैक्सिमम है वो चूज कीजिए, और जिस पार्टीशन पे अपर सम की वैल्यू सबसे मिनिमम होगी उस केस में भी अपर सम ही बड़ा होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये रिफाइनमेंट से रिलेटेड है। रिफाइनमेंट को हालांकि हमने कहा कि देखिए हम लोग का काम चल जाएगा रिफाइनमेंट से, बट ज्यादा अच्छी चीज ये है कि आप अपने पार्टीशंस को जितना शार्प करते जाओगे उतना ही लोअर सम इंक्रीज करेगा और अपर सम डिक्रीज करेगा। कहां तक डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा? अपने एक्सट्रीम पॉइंट्स तक। वही तो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स वगैरह की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करना चाहते हैं, ठीक है? वो हम लोग बात करेंगे लोअर एंड अपर इंटीग्रल और साथ ही साथ डर्बो इंटीग्रल की डेफिनेशन के ऊपर। सो ये वीडियो था लोअर सम एंड अपर सम ऑफ द पार्ट ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी पार्टीशंस। फिर से एक बात, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस पे आपके लोअर सम और अपर सम की वैल्यू डिफर कर जाएगी। मतलब जैसे अभी यही हमने फंक्शन लिया था मॉडुलस ऑफ एक्स का, ये पी पार्टीशन जो हमारा गिवन था इसके लिए इसके लोअर सम की ये वैल्यू आई। आप कोई दूसरा पार्टीशन ले लेंगे तो लोअर सम वेरी कर जाएगा, अपर सम दूसरा पार्टीशन ले लेंगे वेरी कर जाएगा, ठीक है? सो बेसिकली इट इज डिपेंड ऑन योर पार्टीशन, या फिर पार्टीशन आप नहीं कह सकते, आप ऐसा कह सकते हो कि द शार्पनेस ऑफ योर पार्टीशन, ठीक है? आपका पार्टीशन कितना शार्प है, ठीक है? ये हमें हमारे हिसाब से आपको लोअर सम और अपर सम निकालने में हेल्प होगी। आगे हम लोग और अच्छे से थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।